तमाम लोगों का वेलकम, स्वागत और आभार करना चाहता हूं। आरसीएम में बड़ी कामयाबी पे कौन जाएगा? एक मिनट में पूछिए। आरसीएम बिजनेस में बड़ी कामयाबी पे कौन जाएगा? जिसका बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा होगा। कंपनी जो कैलकुलेशन करती है वो केवल और केवल बिजनेस वॉल्यूम की करती है सर, चाहे आपकी पिन है चाहे आपका पे आउट है। अगर आप आरसीएम में कामयाब होना चाहते हैं तो बिजनेस वॉल्यूम को कंपनी जानती है, आपका रूप नहीं जानती, कौन से स्टेट के हो नहीं जानती, कौन सी क्वालिटी के हो नहीं जानती, आप काले हो गोरे हो बड़े हो छोटे हो नौकरी वाले हो बेरोजगार हो, कंपनी इन चीजों को नहीं जानती। कंपनी केवल और केवल बिजनेस वॉल्यूम के आधार पर आपको कामयाबी देती है। और आरसीएम बिजनेस में बिजनेस वॉल्यूम बनाने के तीन बहुत ही महत्वपूर्ण काम है जिनसे बिजनेस वॉल्यूम बनता है। आइए चर्चा करते हैं कौन कौन से ये तीन महत्वपूर्ण काम है सर। पहला काम है खरीदना, दूसरा काम है बेचना और तीसरा काम है जोड़ना। इन तीन कामों से आरसीएम बिजनेस के अंदर बिजनेस वॉल्यूम बनता है। आप चेक करेंगे तो आरसीएम में इन तीन के अलावा चौथा कोई काम नहीं है जिससे बिजनेस वॉल्यूम बनता है। अगर आपकी टीम का कोई भी साथी इन तीन कामों को फोकस करके काम करेगा और रोजाना इन तीन चीजों पर ध्यान देगा तो वो बड़े लेवल पे जा सकता है। आइए चेक करते हैं खरीदना कैसे है। अच्छा, खरीदना भी दो तरह से होता है सर, दो तरह से आरसीएम में लोग खरीदारी करते हैं। एक होता है ग्राहक बनके, एक होता है बिजनेसमैन बनके। मेरा डायरेक्ट आपसे सवाल है सर, आप जो खरीदारी करते हो वो कौन सी करते हो, ग्राहक वाली या बिजनेसमैन वाली? ग्राहक कौन होता है जो 100 200 500 हजार रुपए की खरीदारी करता है, सामान को यूज करता है, केवल वो ग्राहक होता है। लेकिन दोस्त मुझे माफ करना, अगर आरसीएम बिजनेस में आप अमीर बनना चाहते हो, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे जाना चाहते हो तो क्या केवल ग्राहक बनके जा सकते हैं? कभी नहीं जा सकते सर। ग्राहक बनके हम केवल बचत कर सकते हैं। अगर हम आरसीएम का प्रोडक्ट केवल ग्राहक भर के खरीदारी करें तो हमारे साथ ये हो सकता है कि हमारे परिवार में मेडिकल का बिल जीरो हो जाएगा, क्योंकि आरसीएम में 100% ओरिजिनल और शुद्ध प्रोडक्ट मिलते हैं, बिल के साथ मिलते हैं। आपके घर में अगर रेगुलर आरसीएम का प्रोडक्ट यूज होगा 100%, तो पहला फायदा होगा आपका स्वास्थ्य की रक्षा होगी, आपके घर में कोई भी मेडिकल का बिल नहीं आएगा क्योंकि आप ओरिजिनल माल खा रहे हो। लेकिन अमीर बनना चाहते हो तो आपको बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। अब बिजनेसमैन कौन होता है? बिजनेसमैन वो होता है जो बड़ा खरीदता है और बड़ा बेचता है। अब अपने आप से सवाल करना सर कि क्या मैं आरसीएम बिजनेस में ग्राहक हूं या बिजनेसमैन हूं? अगर आप ग्राहक हैं तो सर आप अमीरी के सपने छोड़ दीजिए सर। आपकी खरीदी कितने की होती है यह आपकी कामयाबी को प्रभावित करती है। आरसीएम बिजनेस डुप्लीकेट करने का बिजनेस है, लोग आपको डुप्लीकेट करते हैं। आप क्या चाहते हैं, आपकी टीम में केवल ग्राहक आए या बिजनेसमैन? फैसला आपका है, जैसा आप करेंगे आपकी टीम भी वैसा ही करेगी सर। ज्यादा खरीदिए, अपने घर में डिस्प्ले वाल खोलिए और अपनी टीम में खुलवाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं सर। अगर जीवन में बड़ी कामयाबी पे जाना है तो जीवन में बड़ी खरीदारी करिए। 1,000, 2,000, 5,000 रुपए की खरीदारी करेंगे तो आपका मेंटल विकास नहीं होगा, आपकी क्षमता नहीं बढ़ेगी, आपकी योग्यता नहीं बढ़ेगी, आपकी स्किल नहीं बढ़ेगी। और अगर आपकी स्किल नहीं बढ़ेगी, अगर आपकी योग्यता नहीं बढ़ेगी तो आपको बड़ी कामयाबी नहीं आ सकती। इसीलिए सर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जो भी आदमी आरसीएम में बड़े लेवल पे जाना चाहता है और अपनी टीम को लेकर जाना चाहता है, सबसे पहले खुद की डिस्प्ले वाल खोलिए। आपके घर में 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000 का माल एनी टाइम रहना चाहिए, क्योंकि हम डिस्प्ले वाल खोलेंगे तभी बिजनेसमैन बनेंगे सर। क्या एक दूध वाला हो सकता है जिसके पास दूध नहीं हो? क्या एक सब्जी वाला हो सकता है जिसके पास सब्जी नहीं हो? क्या एक सैनिक हो सकता है जिसके पास हथियार नहीं हो? ठीक उसी तरह से अगर हम आरसीएम में डायरेक्ट सेलर बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो हमारे घर पे रेडी स्टॉक होना चाहिए। आप अपनी टारगेट के हिसाब से, गोल के हिसाब से घर पे रेडी स्टॉक रखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिस्प्ले वाल खुलवाइए। नंबर वन, पहला बड़ा खरीदिए तभी बड़ा बेच पाएंगे, पहला तरीका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाने का सर। और एक चीज और बताना चाहता हूं, अपनी डायरी में लिखिए, मैं एक बिजनेसमैन हूं। आइए मैं बिजनेसमैन, मैं एक बिजनेसमैन हूं, ये लिखिए। एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहता हूं। एक बहुत बड़े सेठ जी थे, उनके यहां चोरी हो गई। सेठ जी ने पुलिस कंप्लेंट करवाई, चोर पकड़ा नहीं गया। दूसरे साल फिर चोरी हो गई, सेठ जी ने कैमरे वगैरह लगवाए। तीसरे साल फिर चोरी हो गई, चोर पकड़ में नहीं आया, सेठ बड़ा परेशान। चौथे साल फिर चोरी हो गई। अब पांचवें साल सेठ दिन में थोड़ा रेस्ट करता, रात को जगता रहता। पांचवें साल जैसे चोर आया, सेठ जी जग गए,
चोर अलमारी खोलने लगा, सेठ जी उसके पीछे गए, कंधे पे हाथ रखे, बोला भाई क्या कर रहे हो? चोर डर गया, चोर ने हाथ जोड़े, माली गलती हो गई। चोर को सेठ जी ने बोला चिंता मत कर, ये ले चाबी, ताला खोल ले, लूट के ले जा, कोई बात नहीं, पर मुझे ये बता तू करना क्या चाहता है? क्या मेरे यहाँ तूने पीछे 4 साल लगातार चोरी तूने की? उसने कहा हाँ साहब, चोरी तो मैंने की पर गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। सेठ ने कहा माफी की बात नहीं है, ये सोचने का विषय है, तू चोरी क्यों कर रहा है? तो चोर ने कहा सर मैं अमीर बनना चाहता हूँ। तो सेठ जी ने कहा कि ध्यान से सुन मेरी बात, पहले साल जब तू चोरी करने आया तू चोर था, मैं सेठ था। दूसरे साल भी तू चोरी करने आया तू क्या था? चोर था, मैं सेठ था। तीसरे साल भी तू चोर और मैं सेठ था। चौथे साल भी तू चोर था और मैं सेठ था। आज 5वें साल भी तू माल लेके जा रहा है, तू क्या है? तो उसने कहा जी मैं चोर हूं और आज 5वें साल भी मैं सेठ हूं। तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं मेरे दोस्त, जिंदगी में इंपोर्टेंट ये नहीं है तुम करते क्या हो, इंपोर्टेंट ये है तुम क्या सोच के क्या करते हो। अगर तुम्हारी सोच चोर की रही तो जिंदगी भर तुम माल लूटते रहना, कभी अमीर नहीं बन पाओगे। लेकिन जिस दिन तुम्हारी सोच सेठ की बन गई, दुनिया में कोई भी व्यक्ति तुम्हें चोर नहीं बना सकता, तुम हर हाल में सेठ बनोगे। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आरसीएम बिजनेस जैसे महान सिस्टम में जुड़ने के बाद आपकी सोच केवल ग्राहक की है तो दुनिया में कभी आप अमीर नहीं बन पाएंगे सर। तो आज अपनी डायरी में लिखिए मैं एक बिजनेसमैन हूं और मेरी कामयाबी की जिम्मेवारी मेरी है। और बिजनेसमैन जैसे सोचता है वैसे सोचिए, बिजनेसमैन जैसे कपड़े पहनता है वैसे कपड़े पहनिए, अपलाइन जैसे बताता है उसकी दिशा निर्देश में अगले 2 से 5 साल लगा दीजिए। मेरी गारंटी है आप जीवन बदलने के मार्ग पे अग्रसर हो जाएंगे। 2 से 5 साल में आप अपने जीवन के सारे सपने पूरे कर सकते हैं। सोच बदलने से सितारे बदलते हैं, नजर बदलने से नजारे बदलते हैं और समुन्द्र में पाल बदलने से किनारे बदल जाते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है मैं बिजनेसमैन हूं।